हर खबर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज चैनल को। घंटे का बटन दबाकर पाएं सबसे तेज समाचार आपके मोबाइल पर। जी नमस्कार, वेलकम इन खंडवा जी, जी किशोर की नगरी में स्वागत है। हिंदुस्तान के किशोर तरीके की ओर से ये दादा की धरोहर है। ये ऊपर इनका मकान था, पलंग वगैरह सब रखे, लेकिन बहुत जर्जर हो गया। मतलब ये कि किसी दिन बरसात में पूरे की तरह बैठ गया है। बहुत लंबा है वो मंदिर का मंदिर है। 5025 स्क्वायर फीट इधर आगे जो दुकानें थी वो दुकानें सर बताते ना, ये उसमें देखिए, मैंने कहा कि हम लोग किशोरदा की स्मृति में यहाँ संग्रहालय बनाएंगे। इसमें ये भी कहा कि उनका अगर घर जो है अभी जो उनके परिवार के आधिपत्य में है, अगर उसमें मिल जाए तो बेहतर स्थिति होगी। नहीं तो कोशिश करेंगे कि हम संस्कृति विभाग के माध्यम से, बातचीत उनके परिवार से चल रही है, बातचीत सुसज्जित करेंगे। संग्रहालय में किशोरदा से संबंधित सारी वस्तुएँ रहेंगी। किशोरदा हर फील्ड के हर फन मौला थे, चाहे वो संगीत में ले लें, गायक ले लें या संगीतकार ले लें, अभिनय के क्षेत्र में निर्देशन भी उन्होंने किया, सभी विधाओं में माहिर थे, तो उनसे संबंधित सब चीज़ें हमारे की जाएगी। इस बार जो आई और किस तरह बिल्कुल पिछले जब 97 में जब मंत्री थी उस वक्त मैंने ही किशोर कुमार अवार्ड की घोषणा की थी और 1 लाख हम लोग उसमें देते थे। अभी हम लोगों ने उसको 2 लाख कर दिया। पर्यटन नहीं है मेरे पास, संस्कृति विभाग है। देखिए, भारत रत्न देने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वही चयन करते हैं, वही देखते हैं और उसके आधार पे होता है। हम तो सिर्फ निवेदन कर सकते हैं।